गुना पुलिस की सफलता, अंधे कत्ल का हुआ पर्दाफाश। 45 वर्ष की महिला की हत्या कर पार्वती नदी में फेंक दी थी। लाश की पहचान संगीता पत्नी ब्रजेश यादव से हुई। पति ने ही की थी पत्नी की हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 दिन से लापता युवक का मिला शव पेड़ से बंधा हुआ। अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची मौके पर। गुना के सरदार पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों से हुई ठगी। विवाद की वीडियो हुई वायरल। ये लिया, फिर बुरा बुरा जमा काटा नहीं होता है तो उसको निकलवा करके ले गया। मतलब उनका कहना क्या था, पेट्रोल कम दिया है? क्या काटा नहीं हुआ, काटा जो है ना, गाड़ी का काटा जो है ना नहीं हुआ। अच्छा, नहीं उठा है उनका कहने मतलब ये था। और वो जो बता रहे थे भर के जिसमें पानी पानी भर करके गाड़ी में जाता है क्या? अरे ये तो पागल क्या, पानी जब ये देंगे तो गाड़ी चलेगा? नहीं, इसके पहले भी एक और मामला आया था, उसमें वो कैन में पानी भर के ले मतलब बता रहा था पेट्रोल में पानी है। आप कहीं गाड़ी छोड़ दो, आपके गाड़ी में लिखे जो कहीं पानी चला जाए उसका दायित्व तो मैं लूंगा क्या? नहीं नहीं, हम आपका ये तो लेना चाहते हैं। बात है सब देखिए, अगर हमारे यहाँ पानी रहेगा तो एक गाड़ी में, सिर्फ एक गाड़ी में जाएगा क्या? नहीं नहीं, सभी में एक गाड़ी में तो नहीं हो सकता, 10 गाड़ी में हो या 5 गाड़ी में या 20 गाड़ी में हो सकता है। अगर एक गाड़ी में कहीं होता है, माने टंकी टेस्ट किया गया, सब देखा गया, कहीं पानी नहीं पाया गया। भोपाल में राहत आयुक्त ने 26 जिलों के कलेक्टरों को किया अलर्ट, दी तेज बारिश होने की चेतावनी। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग में पारस्परिक स्थानांतरण के अंतर्गत पोस्टिंग को लेकर शिक्षकों को हो रही है परेशानी। शिक्षा क्या परेशानी है? जो नीति जारी हुई है उसमें हमारा पारस्परिक ट्रांसफर हुआ है और हम टीचर लोग हैं और हमारा क्या संकुल से कभी भी हो रहा है और बाकी यहाँ आए अभी यहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है, 3 घंटे हो गए अभी तक कुछ जानकारी स्पष्ट नहीं हुई। क्या नाम है? मेरा लोकेंद्र सिंह राठौर। तो जी कितने लोगों का हुआ लगभग? लगभग अपने यहाँ से 250 से ऊपर लोगों का हुआ गुना जिले से, लेकिन अभी रिव्यू होके हम लगभग 100-150 लोग आए। सभी भी लोगों का गुना? सभी भी लोगों के अपने गुना जिले। तो वहाँ से आपको रिलीज दे दिया? हाँ, चंकुल से कर दिया। फिर जहाँ क्या हो रहा है? यहाँ अभी प्रक्रिया चल रही है, अभी पता नहीं है कौन सी जगह पोस्टिंग होने है। आप नहीं, वो पता चल गई ना, पारस्परिक में पता चल गई। 9 दिवसीय श्री राम कथा का हो रहा है आरंभ, जिसकी कलश यात्रा हनुमान चौराहे से होते हुए मानस भवन तक निकाली गई। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में लिया भाग। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता रहे उपस्थित। ग्राम काला पीपल में निवासी विजय सिंह भील के साथ चाचौड़ा पुलिस द्वारा मारपीट करने का लगाया आरोप। आज विजय सिंह भील ने एसपी ऑफिस पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। ये मारा है, मैंने बोला कि सर हमारा छोटे को लेके आए, तो इन्होंने बोला कि तुम तो बाहर निकल जाओ, मुंह मत बजाओ, जब मेरे से ऐसे धक्का मार दिया। और इनने मोबाइल निकाला, मतलब कोई से बात करने के लिए दिया जी, पुलिस वालों से बात कर गाल गलौज कर रहे हैं, ऐसे इनका मोबाइल छुड़ा के और इसके देने लग गए। और आप नाम समझते हैं ना, 2 स्टार वाले, ऐसे ही 2-4 पुलिस वाले जवान दौड़े तो इसके देने लग, इनके देने ही लग गए और देते देते और अंदर ले गए, अंदर तक ले गए। और घूसों से मारे तो मेरे पूरा सर दर्द कर रहा और एक सीने में फंस। आपके साथ भी हुई है? आपके साथ भी हुई मारपीट? हाँ हाँ, मेरे साथ धक्का मार कर है ना, धक्का मार, मेरे धक्का मार करा हूँ। और इस वापसी तो क्या करते हैं आप? शिक्षक हैं? शिक्षक हूँ, टीचर हूँ। हाँ, आपने शिक्षक विद्यालय से भी बोल। और ये फोन है ना, ये नाक में फोन गिरने लगा जब भी मैंने पूछा था ये। शैलेंद्र सिंह की स्मृति में वर्तमान चुनौतियां और वामपंथ की भूमिका को लेकर आज निजी होटल में रखा गया व्याख्यान कार्यक्रम। जी बताएं क्या कार्यक्रम? ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 24 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक ये जो वामपंथी विचारक रहे हैं प्रेजेंशियली, उनका जन्मदिन 24 जुलाई और उनका जो देहावसान हुआ था वो 7 अगस्त हुआ था। तो इन दिनों में 24 जुलाई से 7 अगस्त तक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शैलेंद्र चली स्मृति व्याख्यान माला के तहत एक शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वही शिक्षण कार्यक्रम आज
गुना में आयोजित है। आज का ये चलन शैली स्मृति व्याख्यान का विषय है ये वर्तमान चुनौतियाँ और बाघ पंच की भूमिका। तो आज गुना में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ये डॉक्टर के पी अरोड़ा जो पूर्व प्राचार्य हैं गुना महाविद्यालय। संयुक्त मोर्चों के बैनर तले एकत्रित कर्मचारी नेताओं ने आज अपनी समस्याओं को लेकर रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संयुक्त मोर्चा ने साधे प्रशासन पर निशाने। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी कि हमारा शनिवार को हमने मोर्चे का पुनर्गठन किया है संडे को, और उस पुनर्गठन के बाद हमारे आगामी क्या कार्यक्रम होंगे उसको तय करने के लिए आप लोगों को बुलाया कि हमारे आगामी कार्यक्रम क्या क्या होंगे, इस जिले में क्या परेशानियां हैं, उन समस्याओं से निराकरण करने के लिए कलेक्टर महोदय के पास हम लोगों को जाना है और उनको सारी समस्याओं से अवगत कराना है जिससे जिले में समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर हो सके। आपकी मुख्य समस्याएँ क्या रही हैं? मुख्य समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या कि अगर संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक जैसा शासन आदेश है कि हर तीन महीने में हर विभाग में होना चाहिए। तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गत दिवस विभिन्न विभागों के अधिकारियों की रखी गई बैठक। तम्बाकू नियंत्रण कानून पर हो प्रभावी कार्रवाई इसके लिए दिए गए दिशा निर्देश। चाचौड़ा में आज SDM ने किया जन सुनवाई कार्यक्रम का शुभारंभ, जिसमें लगभग 20 आवेदन आए, कुछ आवेदन का निपटारा आज ही किया गया। आरोन में आज पहुंची खाद विभाग की टीम, जिसमें से कई डेयरियों व किरानों की दुकान के लिए गए सैंपल। कल SDM द्वारा जज्जी बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाने के लिए एक दिन की दी गई थी मोहलत, जिसमें से अतिक्रमणकर्ता अतिक्रमण हटाने के विरोध में सुबह पहुंचे थे कलेक्ट्रेट ज्ञापन सौंपने। शाम को की गई कार्रवाई, JCB द्वारा हटाया गया अतिक्रमण। जी जैसे आपको पहले भी अवगत कराया था कि यहाँ पर कल पटवारी और तहसीलदार स्वयं जाकर सभी जितने भी लोगों ने अतिक्रमण किया है उनको 24 घंटे का समय दिया था कि आप स्वयं अपना सामान हटा लें, वरना प्रशासन आके जो भी आपने अतिक्रमण किया है उसको हटाया जाएगा। तो अभी वर्तमान में वही अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई चल रही है। मैडम, कल इनको समय देने का भी विचार चल रहा था? नहीं, समय देने का विचार जब कल दोपहर में यहाँ पर सभी लोगों ने संयुक्त भ्रमण किया था तब से लेके 24 घंटे का समय दिया गया था। क्योंकि इन्होंने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तो 24 घंटे पर्याप्त है कि उनको समय दिया था कि आप अपना सामान हटा लें, जो कि उनके द्वारा नहीं हटाया गया है, इसलिए ये जितनी भी जगह अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। इनके लिए मैडम कहीं जगह मुहैया कराई गई है क्या? पहले से ही नगर पालिका के द्वारा हॉकर जोन बनाए गए हैं, इनको वही पहले से ही इनको निर्देशित था कि हॉकर जोन में ही जाकर आप अपने दुकान आदि लगाएंगे। सोनाली टेली कम्युनिकेशन, गिट्टी के निर्माता एवं विक्रेता। हमारे यहाँ LNT, JCB, ट्राला, डंपर, वाइब्रेटर, रोलर, पेवर, फ्लोरी आदि मशीन किराए पर उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल 9893057151, फोन नंबर 07542408198।